अब एक सवाल आता है कि क्या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ब्रेक लेके तैयारी करना ठीक है कि नहीं है। अब ये एक बड़ा सवाल है और इसका भी जवाब हम उसी तरीके से देंगे जैसे हम पहले देते आए हैं कि कोई भी जेनेरिक एडवाइस देने से बेहतर है कि आप अपनी चीजों को जानें, आप अपने फैक्टर्स को जानें, सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको ब्रेक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहला है कि आपके पास एक लाइन में क्लियर होना चाहिए कि पर्पज क्या है ब्रेक लेने का। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो लोग ब्रेक लेते हैं उनके पास एक रीजन होता है, सिंपल है, आप कॉलेज के बाद ब्रेक लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है क्योंकि जब भी आप कॉलेज में होते हैं उसके बाद आप मूव कर रहे होते हैं मास्टर्स में, सारी चीज़ें करके एक प्रोसेस में होती हैं। ब्रेक लेने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि आपको एक टाइम मिलता है जहाँ पे आप सिर्फ उस एग्जाम की तैयारी कर पाते हैं। नुकसान ये है कि आपका ब्रेक हो जाता है, जो चीज़ें आप कर रहे थे, जो आप करेंगे उसके बीच में। सपोज करें आपने मास्टर्स करा है, बीए करा है पॉलिटिकल साइंस में और आप एक साल की यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तब तो थोड़ा लिंकेजेस है। लेकिन आपने इंजीनियरिंग करा हुआ है, फिर आपने ब्रेक लिया यूपीएससी की तैयारी के लिए एक साल, फिर आपको जॉब मार्केट में थोड़ी दिक्कत होगी, ये एक रियलिटी है और मैंने बहुत लोगों से सुना है ये बातें। इस तरह के सवालों के जवाब तीन चार हैं। पहला है कि अगर आपने पूरी तौर पर मन बना लिया है कि आपका जो पुराना डिसिप्लिन था जो आप कर रहे थे उसमें आपको फ्यूचर में जॉब नहीं करनी है या उस जोन को छोड़ ही देना है, तब आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ब्रेक लेंगे क्योंकि आपको अब नया ही करना है कुछ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एज ए बैकअप उसको रखना चाहते हैं तो कम से कम एक कनेक्शन रखिए, कंप्लीट ब्रेक मत लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। क्योंकि कंप्लीट ब्रेक के बाद यूपीएससी में जब भी आप तैयारी करेंगे, एक साल में जो लोग कहते हैं कि आऊँगा अचानक से एक साल में कर लूँगा, वो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। एक साल सिलेबस कवर करने में लगता है, ये एक रियलिटी है। जो लोग बोलते हैं एक साल में यूपीएससी निकाल देंगे, वो कर देंगे, वो बहुत मुश्किल और बहुत अजीब सा है और बहुत रेयर है। तो रेयर नहीं है आप, अगर आप आपको लग रहा है तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके पास अगर ये है कि आपको उस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करना, बाद में कुछ और करना है, तब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बैकअप के तौर पर रखते हैं तो एक कनेक्शन बना के रखिए ताकि आप उसको यूज कर पाएं, पहली बात ये। दूसरा है कि ब्रेक कितना होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ब्रेक रैंडम ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिससे बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि उन्होंने बीए करा और उनकी एज भी अभी नहीं है, मतलब वो 19 में बीए कर लिए और 2 साल बाद उनको एग्जाम देना है 21 में। तो बेहतर है कि आप 2 साल मास्टर्स कर लें क्योंकि बाद में यूपीएससी के एग्जाम में प्रेशर बहुत है। तो और जो लोग डिफॉल्ट मोड ये है कि यूपीएससी में लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। डिफॉल्ट मोड क्या होता है कि 100 लोग जाते हैं एग्जाम देने, उनमें से ज़्यादातर 1000 लोगों में से एक इंसान सेलेक्ट होगा, बाकी 999 वापस आएंगे। तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि कहीं ना कहीं मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, तब आप ज़्यादा बेहतर प्लान कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। हमेशा याद रखें, इन दोनों में फ़र्क है। आप ये बिल्कुल आप रखिए कि हाँ भाई मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन ये प्लान करके चलिए कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। सिंपल कहने का मतलब, जब भी आप बारिश में निकलते हैं तो आप छाता लेके निकलते हैं, भले ही आप कितने बड़े मौसम विज्ञानी हैं, आप गेस करते हैं कि नहीं होगी बारिश, लेकिन आप नहीं, ताकि आपको जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर पाएं। तो एक तो ब्रेक का ये है, कंप्लीट ब्रेक लेना है अगर आपको उस डिसिप्लिन से अलग होना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एक दूसरा कोर्स कर सकते हैं, फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपको लगता है कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा लेकिन अब ब्रेक लेके खुद को समझना है, आप पढ़ना है, तो आप बिल्कुल ब्रेक लीजिए। ब्रेक बहुत बार हीलिंग भी होते हैं, आप उन चीज़ों को सीख पाते हैं, जान पाते हैं खुद को भी, कहाँ पे आप स्ट्रांग हैं, कहाँ पे वीक हैं, और खुद के साथ टाइम मिलता है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अब इन फैक्टर्स के साथ साथ आपको जो पहले टाइम वाला, इंटेलिजेंस वाला, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, कितना आपको पढ़ना है, कितनी चीज़ें हैं उसके साथ, फिर लोकेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ब्रेक लेने के बाद आप कहाँ रह के रहना चाहते हैं। अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ सही नहीं है, कॉलेज में रहते रहते आपकी हेल्थ खराब हो गई है, आपको फैमिली के बीच में रहना है, ब्रेक लेके कुछ करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ब्रेक को लेके बहुत जेनेरिक चीज़ें मत बनाओ कि ब्रेक लेना सही है, ब्रेक लेना गलत है, ये नहीं होता भाई। आप खुद को जानें पहले कि क्या आपके लिए ब्रेक सही है, क्या आपके लिए सवाल आपके लिए है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखो और फिर कैलकुलेट करो कि क्या आपके ब्रेक की वजह से आपकी फैमिली के ऊपर प्रेशर तो नहीं आएगा, क्या आपके ब्रेक की वजह से आपके ऊपर तो प्रेशर नहीं आएगा। अगर आपके ऊपर प्रेशर आएगा कल, तो आप कहीं ना कहीं खुद के लिए कुआं खोद रहे हैं। कि अगर आप ब्रेक लेके उसका यूज कर लेंगे अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ब्रेक नहीं लेना है कि वो ब्रेक फिर लगातार बन जाए। मुखर्जी नगर में, करोल बाग में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 8 साल 10 साल से ब्रेक लिए हुए हैं, उनके CV में चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब भी आप जॉब मार्केट में जाएंगे, UPSC में हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, होने के बाद भी आपको CV दिखानी होती है अंदर जब जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन इन जनरल अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने क्या करा है, तो आप उसको बताएंगे कि हम ब्रेक लेके UPSC की तैयारी कर रहे हैं।
तो ब्रेक को लेके थोड़ा कंसर्न रही है। ब्रेक लेने का मतलब आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन साथ साथ कुछ स्किल में भी इन्हेंस कीजिए ना। गवर्नमेंट इतना स्किल इन्हेंसमेंट के बारे में बातें करती है कि आपने और क्या सीखा हुआ यूपीएससी की तैयारी के अलावा, फिर आप जॉब मार्केट में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ब्रेक स्ट्रेटजिक होना चाहिए, जैसे आईपीएल में होता है स्ट्रेटजिक टाइम आउट होता है, वो होता है, उसके हिसाब से लेने में कोई दिक्कत नहीं अगर आप उसका यूज कर पा रहे हैं। पहला है कि स्ट्रेटजिक होना चाहिए, अपने आप को जानने के बाद होना चाहिए। दूसरा, कितना ब्रेक है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि लोकेशन क्या है ब्रेक की, ब्रेक लेने के बाद आप कहाँ रहेंगे, हेल्थ इशूज से और सारी चीज़ों से आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा है कि वो फैमिली पे आप पे प्रेशर तो नहीं बनाएगा, वो फैक्टर आपको कंसीडर करना है। और पांचवा है कि ब्रेक कितनी बार आप लेंगे, मतलब ब्रेक लेने के बाद एक अल्टरनेट प्लान होना चाहिए कि एक साल बाद आप, जैसे आपने प्लान करा कि मैं एक साल का ब्रेक लूंगा, तो ब्रेक के बाद क्या करेंगे वो प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आप ब्रेक के बाद का प्लान नहीं है तो आप सही से प्लान नहीं कर रहे हैं। आप ब्रेक लेने के बाद ब्रेक में जाके नहीं सोचना है कि भाई अब क्या करेंगे, वो सही चीज़ नहीं है। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो आप पहले से प्लान करते हैं, तो आपको पहले से प्लान करना है, फिर आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये है ब्रेक के बारे में वीडियो, और भी डिटेल्ड वीडियो आते रहेंगे। जो भी टॉपिक आपको लगता है एक्सपीरियंस बेस्ड है, यहाँ पे मैंने पीएचडी किया हुआ, एमफिल किया हुआ है, यूपीएससी एग्जाम दिया है और भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। और हो सकता है कि कुछ जगह मैं गलत भी हूँ, मुझे ये कहने में बिल्कुल वो नहीं लगता, जहाँ पे आपको लगता है कि आप खुद को बेहतर समझ गए हैं और इससे बेहतर जो मैं आप समझ रहे हैं सोच रहे हैं तो आप बेहतर हैं। मैं बेहतर नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको उतना नहीं समझ पा रहा हूँ जितना आप खुद को समझ पा रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स देखने हैं और वो फैक्टर्स जब आप देख लेंगे तब आप डिसाइड कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जय।